नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल टेक सपोर्ट इन हिंदी पर मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं, गूगल ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है तेज ऐप। तो फ्रेंड्स, उस तेज ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उस पर काम करना है, किस तरह से पैसे को ट्रांसफ़र करना है, तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि इस पर कैसे वर्क करते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक का जरूर देखें। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर आप देखिए एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करते हैं, ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, इसी के ठीक बगल में बेल का आइकन है, इसको बेल को आइकन को यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पर देखिए चेकबॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर लीजिए, तो आपको लगातार हमारे चैनल के जितने भी वीडियोस नए नए अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मोबाइल में यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर हम चलते हैं प्ले स्टोर में, और यहाँ पर हम सिंपल इसको क्लिक कर लेते हैं। और जैसे हम प्ले स्टोर में यहाँ पर सर्च कर लेते हैं TEZ। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर तेज का ये एप्लीकेशन यहां पर फर्स्ट रैंक पर यहां पे आ गया है। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, यहां पर 5000 लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, 3.8 की रेटिंग है, जो कि अभी ये नया एप्लीकेशन है, तो इसके ज़्यादा डाउनलोड्स अभी नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है फ्रेंड्स, यहां से आपको इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड करके। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपल आपका जो बैंक से मोबाइल नंबर कनेक्टेड है, ठीक है, उसी नंबर को यहाँ पर आपको डालना है। तो चलिए यहाँ से मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपल क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये एरो का निशान है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अलाउ के लिए मांग रहा है, यानी कि अलाउ तेज टू यूज़ योर कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैंने अलाउ पर क्लिक किया। दूसरा मैसेज यहाँ पे आया है सेंड SMS मैसेज का, तो यहाँ पर इसको भी अलाउ कर लेते हैं। उसके बाद आया है अलाउ तेज टू यूज़ लोकेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस डिवाइस, तो इसको भी अलाउ कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर ईमेल के लिए यहाँ पर पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपल यहाँ पर मैं अपना ईमेल यहाँ पर डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर एक SMS आएगा, ठीक है। तो SMS हमें ये डाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये SMS आ चुका है 6946। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये SMS एक्सेप्टेड हो चुका है। और यहाँ पर देखिए आपको सिंपल क्या करना है, स्क्रीन लॉक, यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक क्रिएट फोन स्क्रीन लॉक। तो आपको अगर आपने स्क्रीन लॉक नहीं लगाया, तो आप स्क्रीन लॉक को एक्टिवेट कर लीजिए सिक्योरिटी में जा करके। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखिए, मैंने कोई भी स्क्रीन लॉक नहीं लगाया है, तो यहाँ पर चलिए मैं स्क्रीन लॉक एक लगा लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने डाल लिया पासवर्ड, वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा स्क्रीन लॉक एक्टिवेटेड हो चुका है। चलिए मैं बैक चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। तो सिंपल आपको फ्रेंड्स यहाँ पर न्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू के लिए ऑप्शन, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो अभी एक तरह से ये मैसेज है, तो देखिए मेनली यहाँ पर इस तरह से ये खुल करके आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर प्रोफाइल्स दिख रहा है, यहाँ पर ये टैप यहाँ पर बोल रहा है कि टैप करिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका सिस्टम ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आप किसी को शेयरिट के माध्यम से कोई डाटा सेंड करते हैं, तो यहाँ पर ठीक उसी के माध्यम से आप पैसे को सेंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये देखिए, यहाँ पर इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए सेम वही यहाँ पर सिस्टम है, जैसे यहाँ पर देखिए पे के लिए ऑप्शन है, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ, एक मिनट इसको डिनाई करते हैं। तो सिंपल फ्रेंड्स, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पे है और यहाँ पर रिसीव है। तो सिंपल आपको अगर मान लीजिए किसी को पैसे भेजना है, तो यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे और जो पैसे रिसीव कर रहा है वो रिसीव के लिए यहाँ पर अप्लाई करेगा। तो जैसे मान लीजिए पे पर आप जैसे क्लिक करते हैं,
तो यहाँ पर देखिए पेपर जैसे क्लिक करते हैं ये देखिए ब्लिंक करने लगा, ठीक है, और जो रिसीव करेगा तो उसके मोबाइल में इस तरह से ब्लिंक करने लगेगा। तो आप चाहे अकाउंट नंबर के माध्यम से कर सकते हैं या मोबाइल नंबर के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी ऑप्शन या यूपीआई एप्लीकेशन यूपीआई आईडी के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो इतने सारे ऑप्शन हैं। तो सिंपल ये तरीका है पहला। उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे आईएफएससी कोड के माध्यम से। तो और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड नहीं है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए थ्री डॉटेड लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री डॉटेड लाइन, तो इस पर आप सिंपल क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग्स में जा सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं किसी को पेमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट वाया फ़ोन, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई आईडी के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए न्यू पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर अकाउंट नंबर के लिए यहाँ पर आ चुका है, यानी कि अकाउंट नंबर एफएससी कोड और नाम टाइप करके आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यूपीआई आईडी है, क्यूआर कोड है या फिर फ़ोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर। तो और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जैसे ही आप देखिए ये एरो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए रिवॉर्ड के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, रिवॉर्ड के लिए और ऑफ़र के लिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ़र के लिए ऑप्शन है और सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 51 का इस समय यहाँ पर ऑफ़र चल रहा है और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है, उस लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस ऐप को, आपको 51 रुपीज़ मिलेंगे और मुझे भी मिलेंगे और डायरेक्ट आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में। और आप डायरेक्टली अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप नीचे लिंक से आप क्लिक करेंगे तो आपको 51 रुपीज़ आपको भी मिलेंगे और मुझको भी मिलेंगे, तो चॉइस आपकी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑफ़र है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं सी ऑफ़र डिटेल्स, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ़र है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड, यहाँ पर जैसे इनवाइट फ्रेंड करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड अगर आप करते हैं और कोई आपके इनविटेशन लिंक से कोई अगर आ करके इस ऐप को इंस्टॉल करता है तो आपको 51 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये इस समय गूगल का ये इस समय ऑफ़र चल रहा है फ्रेंड्स और ये ऑफ़र आपका ऑफ़र 1 अप्रैल 2018 तक ये चलेगा। तो इस तरह से आप किसी को भी ये लिंक भेज करके अगर वो डाउनलोड करता है तो 51 रुपीज़ इस तरह से आप कमीशन पा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक ट्रांजेक्शन करके आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद जितने परमिशंस ये मांगता है एप्लीकेशन आप दे देते हैं, उसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस यहाँ पर खुल करके आ जाता है। तो आपको सबसे पहले फ्रेंड्स मान लीजिए किसी अकाउंट में आपको पैसे भेजने हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक अकाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए अलाउ करने को बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बता रहा है मोबाइल नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखा रहा है और यहाँ पर कौन सा सिम कार्ड पे ये मोबाइल नंबर है जो कि बैंक में लिंक है। तो यहाँ पर मैं एयरटेल यहाँ पर है तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये जैसे देखिए यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर कट रहे हैं बैलेंस, ये एक SMS आएगा इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद देखिए ये सिक्योरली फाइंड अकाउंट इस अकाउंट को यहाँ पे फाइंड आउट करेगा। तो जितने भी आपके मान लीजिए SBI में अकाउंट है वो यहाँ पर खुल करके आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अकाउंट आ चुका है जो कि लास्ट डिजिट 787 यहाँ पे 4 अंक यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरा अकाउंट्स का यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इंटर UPI पिन, तो आपके पास UPI पिन तो अभी नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डोंट नो योर UPI पिन, यहाँ पर सिंपल आपको डोंट नो पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही डोंट नो पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स देखिए लास्ट जो आपका ATM कार्ड है लास्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। तो लास्ट 6 डिजिट यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक्सपायरी डेट मांगा जा रहा है, एक्सपायरी डेट यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये एरो पर मैं क्लिक कर लेता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये UPI पिन क्रिएट करने के लिए अभी थोड़ी देर में हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें वन टाइम पासवर्ड मिल चुका है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये फील हो चुका है वन टाइम पासवर्ड। और यहाँ पर देखिए सेट यूपीआई पिन, ठीक है, तो आपको इसमें यहाँ पर यूपीआई पिन को सेट कर लेना है। तो 6 अंक का ये यूपीआई पिन है, तो फ्रेंड्स इसको यहाँ से मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। और डालने के बाद यहाँ पर देखिए ये चेक पर क्लिक करना है, इसके बाद फिर उसको कन्फर्म कर लेना है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर इसको चेक कर लेना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर डाल लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए हमारे सामने ये बैंक ऐड होकर के आ जाएगा। तो जैसे ही ऐड हो जाएगा आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, चाहे UPI ID के माध्यम से, चाहे मोबाइल नंबर के माध्यम से, चाहे आप IFSC कोड के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए मेरा अकाउंट एडेड हो चुका है और हम देखिए अब यहाँ पर ऐड का ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास ये न्यू अकाउंट है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पर एक अकाउंट ऐड करके रखा है। तो जैसे ही अगर मान लीजिए आपका पहले से अकाउंट ऐड है, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसके पहले यहाँ पर 50 रुपये यहाँ पर पेड किए हैं सिर्फ ट्रायल के लिए। और यहाँ पर चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ स्टार्ट पेमेंट पर। तो स्टार्ट पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर अमाउंट यहाँ पे फिल कर लेना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा एक अकाउंट है जो कि मैं कभी यूज़ नहीं करता, तो इसमें मैंने अभी ये ट्रायल के लिए, ये टेस्टिंग के लिए इसको डाला। तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे ही नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर चेक पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं चेक पर नहीं क्लिक करता, मैं इसको आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है फ्रेंड्स, आप अगर आपने अपना अकाउंट अभी ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स आपका अगर अकाउंट अभी तक ऐड नहीं हुआ है तो आपको सिंपल यहाँ पे न्यू पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं न्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ अकाउंट नंबर, और यहाँ पर देखिए रिसिपिएंट नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं चलिए नाम टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल लेना है, यहाँ पर रे इंटर अकाउंट नंबर कर लेना है, IFSC कोड डाल लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोड डाल के यहाँ पे प्रोसीड करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कि आपको कितने पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 रुपीज़ यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए प्रोसीड टू पे पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही प्रोसीड टू पे पर मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, देखिए हमारे सामने इंटर UPI पिन आ चुका है। यहाँ पर आपको जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जनरेट किया था UPI पिन आपको यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद आपको सिंपल फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर चलिए मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए नीचे दिखा रहा है वेटिंग फॉर बैंक। तो अभी ये थोड़ी ही देर में ये हमारा ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ आपको अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में। तो अभी ये सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर दिखा रहा है UPI 50 रुपीज़ डन हो चुका है अभी को। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैं बैक चलता हूँ, उसके बाद फिर और बैक चलता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑल ट्रांजेक्शन है। तो ऑल ट्रांजेक्शन पर जैसे हम क्लिक करते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने 2 ट्रांजेक्शन किए, तो एक तो मेरा पहले का है, एक अभी का है। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम आपको नेट बैंकिंग पर अपना अकाउंट में दिखाते हैं कि अभी बैलेंस। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि ये हमारे अकाउंट में, देखिए यहाँ पर हम अपने SBI के अकाउंट में आ चुके हैं और यहाँ पर हम लास्ट 10 ट्रांजेक्शन देखेंगे। तो लास्ट 10 ट्रांजेक्शन में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये ट्रांजेक्शन किया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर 21 तारीख के डेट में यहाँ पर अभी को जो मेरा ट्रांजेक्शन हुआ है यहाँ 50 रुपीज़ का है, और एक ट्रांजेक्शन मैंने दोपहर में किया था यहाँ पर 50 रुपीज़ का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन हमारा हो चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए रेफरेंस में यह दिखा रहा है टू ट्रांसफ़र UPI, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट में हमें कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।